सहारनपुर में आयोजित चार जिलों की मंडलीय किसान आम गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से किसानों को नई तकनीकी जानकारी प्राप्त होती है, जिससे किसानों को कम लागत में अधिक लाभ मिलता है। वहीं कृषि विशेषज्ञ अमन सिंह ने आम के बागों में पोषक तत्व एवं जल प्रबंधन के विषय में किसानों को विस्तृत जानकारी भी दी और किसानों से खेती के बारे में अपने अनुभव साझा किए। मंडलायुक्त ने उन्नत किसानों को इस अवसर पर सम्मानित भी किया। बचपन से मेरे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आम से मोहब्बत नहीं करता है और बचपन से ही आम खाए हैं, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से मुझे बोलने में जरा भी संकोच नहीं है। ये एक तो इतने ज्यादा आम और इतने अच्छे आम मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका केवल एक ये लाइटली नहीं लेना है। मेरे जैसे मैं अपने आप को जागरूक मानता हूँ कि सहारनपुर में इतने बढ़िया आम होते हैं और इतने तादाद में आम होते हैं, ये हमें नहीं मालूम। देखिए, फसलों का दाम जहाँ तक रिलेटेड है, ये तो कई चीज़ों का तो सरकार की तरफ से होता है, MSP उनका रिलेटेड होता है, लेकिन एक अच्छी खेती करने के लिए मेरा तो यही अनुरोध है सभी किसान भाइयों से कि अपनी अज्ञानता सबसे पहले दूर करें। जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो अवश्य जान करके इस्तेमाल करें कि इससे क्या लाभ मिलेगा और उसके हिसाब से उसके मार्केट में क्या क्या ऑल्टरनेटिव हैं। मतलब बहुत सारी कंपनियाँ बहुत सारे चीज़ें बेच रही हैं, बिक मत जाइए उस चक्कर में। खुद पहले अपना सामर्थ्य जुटाइए और देखिए कि क्या चीज़ किस चीज़ में लाभदायक है, और आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। आप इतने वर्षों से खेती कर रहे हैं, इतनी वर्षों से खेती सेल्स वाला नहीं कर रहा है जो आपको वो प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन सेल्स वाला हो सकता है उसको थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा हो क्योंकि वो अन्य कंपनियों में ट्रेनिंग ले करके आ रहा है। तो बात सबकी सुने, लेकिन उसके बाद जो आपको समझ में आ रहा है और जो आपको लगता है कि आपके सामर्थ्य के हिसाब से उचित है वो अवश्य करें। और देखिए, एक तो सबसे बड़ी जो इसका कारण है वो ये है कि बदलता हुआ मौसम। मौसम इतनी स्पीड से बदल रहा है, कीट इतनी तेज़ी से इवॉल्व करे जा रहे हैं कि उसके लिए जो चीज़ आज से 15 साल पहले काम करती थी आज नहीं काम करती। तो एक तो है कि कीटनाशक दवाइयाँ, केमिकल दवाइयाँ, उनका स्प्रे लगता रहा है, लेकिन आज से 15 साल पहले जो भूमि मित्र वाले जो कीट थे वो भी गायब हो गए हैं क्योंकि हमने उनके अंदर इतने केमिकल पेस्टिसाइड्स डाल दिए हैं कि वो सब मर गए हैं। केंचुए आप देखें तो अब मिलते ही नहीं हैं, लेकिन केंचुए जो हैं वो भूमि के मित्र हैं और वो फसल को सहयोगी हैं। लेकिन तो बायो का जो उपयोग है वो भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत किसान को उसके बाद में स्वयं जागरूक होकर के हैं, और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हमें जैविक खेती के बारे में भी सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे आगे ले जाएं। मेरा अनुरोध यह है कि थोड़ा सोच करके कि कैसे अपनी जो भूमि है उसकी हेल्थ कैसे अच्छी करें। प्रधानमंत्री जी की भी योजना है सॉयल हेल्थ कार्ड के ऊपर, तो अपने सबसे पहले सॉयल सुरक्षा उसकी जाँच करा लें अपनी मृदा की, जिससे आपको पता तो रहेगी मुझे और क्या करवाना है, और बाद में अपनी फसल, हमारी फसल क्या ले मांग रही है, उसकी क्या मांग है, उसी के अनुसार हमें उसमें अपना फर्टिलाइज़र या कोई भी खाद दें तो उसके अनुसार दें। और एक बात और मैं अपने किसान भाई से कहूँगा कि अपना ज़मीन की पहले जांच कराएं और उसका स्वेल्थ हेल्थ कार्ड जो बन रहा है उसे ज़रूर बनवाएं और अपनी ज़मीन का PH मान के अनुसार ही उसमें लागत दें।